बेस ऑन नहीं है, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, शोर मचा के बता दो कराची ये बात। अच्छा एक मिनट भाई, माइक नहीं आ रहा। अच्छा ये सॉन्ग हम सब एक साथ स्टार्ट करेंगे विद क्लैप, और क्लैप किस तरह करनी है सबको पता है। हेलो हेलो हेलो। आज के हमारे चीफ गेस्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर सरदार शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आपकी भरपूर तालियां सरदार शाह साहब के लिए। प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब भी आ चुके हैं। हेलो उमेर भाई, हेलो हेलो, गिटार बंद है, गिटार 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 गिटार, हेलो हेलो हेलो, उमेर भाई आई थिंक ये बाकी दोनों अकूस्टिक गिटार्स बंद हो गए। आप सब
आपकी तालियां साथ होगी इस गाने में. कम ऑन. और ये गाना आधा आधा गाएंगे. एक लाइन हमारी एक आपकी. अगलावा मजबूरी नू आड़ जाड़ की पसूरी जहर बड़े हाँ तेरे आड़ा सी ओ नहीं आया दिल बाग मेरा टकराया कागा बोल के डस जावे बावा क्यों दी चूरी नू लारी छपावा चोनू लुकावा कोई मैं नू ना होवे मेरे ढोल जुदाईया दी तेनू खबर की मैं हो संभालो मुझको ओ मेरे यारो.
मिलके गाने को तैयार है। श्यामे मलंग सी राते मारी यहां से भी न जाने क्यों सब इलाही मेरा इलाही मेरा जी आए कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी काली तिजोरियां याद की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरे साथ बिताऊं तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कितना मजा आया सबसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाह साहब का कि उन्होंने हमें इतना बड़ा स्टेज दिया है और इतना अच्छा यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज दी हैं हमें बहुत सपोर्ट किया है थैंक यू सो मच शाह साहब फ्रॉम जैम्ब्रोस थैंक यू सो मच और हमारे बैंड का नाम जैम्ब्रोस है प्लीज अपना प्यार दिखाएं फॉलो करें और जैम्ब्रोस की स्पेलिंग में अक्सर मसला होता है लोगों को मैं आप लोगों को प्लीज स्पेलिंग बताऊं JAMBROZ ओके शोर करके बताओगे ये बात थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू दे दिया अपना इंस्टाग्राम हाँ जी प्रमोशन हो गई है ओके अच्छा जी हम आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को इस यूथ फेस्टिवल में सिर्फ कंपटीशन नहीं हुए सिर्फ परफॉर्मेंसेस नहीं हुई हमें बहुत सारी कहानियां मिली
और उन कहानियों में से एक सबसे अच्छी कहानी जो हमें मिली, हमें एक रैपर मिला। आप यकीन करें कि उसने हम सबको हिलाया और वो अब हिलाना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो आर्ट्स काउंसिल आ गया है और जो यहाँ आ जाता है फिर वो पूरे पाकिस्तान में छाता है। उसको स्पेशल प्राइज दिया गया है, शाह साहब ने उसको स्पेशल प्राइज अनाउंस किया है और वो आएगा स्टेज पे और आपको एंटरटेन करेगा। उसका नाम है सूरज, लेकिन उसका स्टेज नेम है सनकी। सूरज अस्सलाम वालेकुम। जी 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 शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी शाह साहब, शुक्रिया। लियाकत नेशनल क्लीनर का काम करता हूँ मैं। सब बड़ी खुशी हो रही है, इतनी पब्लिक सुनने के लिए बैठी हुई है मुझे। या सन 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 की कैसिडी
अच्छा आपको पता है कितनी कैटेगरीज के अंदर यहां पर कंपटीशन हुए? म्यूजिक ठीक है, जिसमें सिंगिंग के आपने लोग देखे, बैटल ऑफ द बैंड्स हुआ जिसमें कराची के बेहतरीन बैंड्स ने परफॉर्म किया, उसमें से तीन हमने सेलेक्ट किए और जो बहुत धांसू जिसको कहते हैं ना वो बैंड्स हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल की कैटेगरी है, शाह साहब ने हमें कहा कि भाई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो साजिंदे होते हैं, वो असल लोग होते हैं। आई एम सो ग्लैड कि ये रिकग्नाइज आर्ट्स काउंसिल कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है म्यूजिक का, वो पीछे शायद लोग उनको बहुत रखते हैं। शाह साहब हैज़ ऑलवेज बीन यू नो कीन ऑन ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉरवर्ड। तो इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी के अंदर ज़बरदस्त टैलेंट इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, जिसने पहली दफ़ा इंस्ट्रूमेंटल सोलोज बजाए। और उसके अलावा डांस की कैटेगरी, जिसकी परफॉर्मेंस अब हम देखने लगे हैं। डांस परफॉर्मेंस रेडी हैं आप? रेडी हैं डांस परफॉर्मेंस के लिए? अच्छा, डांस से पहले हम एक स्पेशल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये बच्ची, इसको मैं बहुत टाइम से गाते हुए देख रहा हूँ, एंड शी इज अ स्टार, शी इज अ स्टार। मैं चाहता हूँ महक स्टेज पर आए और हमें कुछ अच्छा सा गीत सुनाए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी है महक, यहाँ से भी परफॉर्म करके कॉम्पिटिशन्स जीती है। शी परफॉर्म्स ऑल ओवर। हेलो हेलो, हेलो हेलो। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे
माही यार दी घडोले भर दी सोने यार दी घडोले भर दी एक अल्लाह तनु में डर दी एक मौला तनु में डर दी माही यार दी घडोली आहा आहा सोने यार दी घडोली अख मुला माही यार दी घडोली भर दी एक अल्लाह तनु में डर दी एक मौला तनु में डर दी माही यार दी घडोली आहा आहा सोने यार दी घडोली अख मुला माही यार दी घडोली भर दी दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम अली माही यार दी घडोली भर दी सोने यार दी घडोली भर दी सचल सारा नूरे लाही ओ सचल सारा नूरे लाही अली वली दी है हम राही मैं हर दम रब रब कर दी मैं हर दम रब रब कर दी माही यार दी घडोली आहा आहा सोने यार दी घडोली अख मुला माही यार दी घडोली भर दी आ आ बहुत सारी तालियां महक के लिए और ये सारा टैलेंट आपको आर्ट्स काउंसिल के डिजिटल स्पेस पे बहुत जल्द बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। हम चाहते हैं स्टेज पे बुलाना अब अपने विनर डांस ग्रुप को। बहुत सारी तालियां। तुम लोग तैयार हो ना डांस के लिए? दिस इज गोइंग लाइव बाय द वे। आ जाएं जी जल्दी से आ जाएं। म्यूजिक चेक करा दें जी, थोड़ा वॉल्यूम खोल दें, प्ले कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे एरियाज से ये लोग हैं। यूथ फेस्टिवल साहब साहब ने रखा, उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंस के बाद सर, ठीक है सर, ठीक है जी, आप लोग रेडी हैं? शोर मचाएं जरा, बताएं और शोर और शोर। थैंक यू सो मच सर। म्यूजिक वॉल्यूम वॉल्यूम। तेरे मद पर नैन मिल पैन से चंद्रा शराब छड़ दे। तेरे मद पर नैन मिल पैन से चंद्रा शराब छड़ दे। तेरे मद पर नैन मिल पैन से चंद्रा शराब छड़ दे। ए बल्लारी अखां हाय दिलबर, ए बल्लारी अखां अखां नाल खैण से चंद्रा शराब छड़ दे। तेरे मद पर नैन मिल पैन चंद्रा शराब छड़ दे। तेरे मद पर नैन मिल पैन हाय ने हाय। कना यारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। इश्क़ फकीरानी पीरों मुरीदानी, इश्क़ वलियानी होदाए खलीलानी, इश्क़ पिड़ा के मरचा तफ्तरा बानी, हमलों मा गंजा कसी हस्ती बिजानी, इश्क़ नूर वा तरबा
मिस्री चम्मानी नबी इश्क चूके तो कोताओ पिलानी कनयारी गद्दारी इश्क के नामे गार अदा कनयारी अच्छा एक हमारे पास और परफॉर्मेंस है मैं चाहूंगा कि इसको अनाउंस किया अच्छा हमारे पास एक बहुत क्यूट सी और परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस और है सैनिश के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें तालियां होनी चाहिए बहुत मेहनत की है इन लोगों ने अच्छा ये हमारी कंटेस्टेंट नहीं थी क्योंकि जो हमारा एज क्राइटेरिया था उससे ये छोटी थी तो शाह साहब ने इसकी स्पेशल परफॉर्मेंस रखवाई है और एक स्पेशल प्राइज भी इसके लिए शाह साहब ने दिया और बहुत सारी तालियां बजा दे सैनिश के लिए
loud. नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, make some noise. दिल तो है क्या जावार तू मैं प्यार में, बंदे है करी ये बातें, है जोली ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें लगना, रख हुस्न की ये सो बातें, मेरे लिए काफी है जो माया है तगा, नाबाज दिल है मेरे जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे. साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सीरो नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलाव गल सारी ता होवे मेरे ढोल बच्ची के लिए जितनी तालियां बजाएं उतनी कम है इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म किया है इसने वेरी गुड. हम अपनी क्लोजिंग सेरेमनी का आगाज करते हैं. मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा हमारी गवर्निंग बॉडी की हेड और हुमा मीर साहिबा को. हुमा मीर साहिबा स्टेज पे तशरीफ लाएंगी और आगे की हेलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर हुमा मीर चेयरपर्सन यूथ कमेटी. वेलकम टू द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल 2023. दोस्तों आज का दिन बहुत शानदार है क्योंकि आज पूरे एक हफ्ते से जो यहाँ पर एक जश्न का समा है जिस तरह से पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट किया है जिस तरह से उनकी सलाहियतों को बरोएकार लाया गया है जनाब मोहम्मद अहमद शाह प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में आप सब लोगों ने यहाँ जो रंग जमाया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. और आज के इस सेरेमनी के मेहमान खुसूसी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिस्पेक्टेबल सैयद सरदार अली शाह साहब.
बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट के लिए जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, और आर्ट्स काउंसिल जो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन्स हुए, वर्कशॉप हुए, सिंगिंग, डांस, म्यूजिक, थिएटर, डिक्लेमेशन, एसे राइटिंग, और जिसमें कराची के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उनकी तादाद हजारों में है। और जो विनर्स हैं उनके लिए आज यहाँ पर प्राइजेज हैं, शील्ड्स हैं, तारीफें हैं और आप लोगों की बहुत सारी तालियां हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और ये जो मुकद्दर का सितारा चमक रहा है और जो मजीद चमकेगा आप लोगों की सूरत में, पाकिस्तान की यूथ की सूरत में, कि जिसके लिए कायद आज़म भी बहुत पुरुमीद थे कि नौजवान जो हमारे मुस्तकबिल के पाकिस्तान की तरक्की में कोशा हैं और मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मोहम्मद अहमद शाह साहब ने, जो अब आप सब लोगों के मेंटोर हैं, आप सब लोगों के लीडर हैं, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ ब्रॉट आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो ये जगह आर्ट्स काउंसिल, जिसका कोर मकसद जाहिर है कि प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, लेकिन जब बात यूथ की आती है तो यहाँ पर यूथ फेस्टिवल हो रहा है। और यकीनन आप लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं अपने असातिज़ा से, लेकिन जो आपका जो टैलेंट है उसको अगर ढूंढ के निकाला है, उसको निखारा है, तो वो है जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। ही इज अ पर्सन हु हैज गिवन यू दिस प्लेटफॉर्म टू राइज एंड शाइन, दिस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट यूथ, टू प्रमोट योर टैलेंट। और आज आप सब लोग अपनी तालियों में बता दें कि आप जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब के कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना चाहते हैं। बहुत सारी तालियों में मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज। ओके, शाह साहब ने कहा है कि पहले जो है वो हम कैटेगरी है अवार्ड्स की जो स्पेशल बच्चों की है उनको हम पहले यहाँ पे अवार्ड देंगे, फिर हम जो है वो ज़हमत देंगे शाह साहब को और मेहमान खुसूसी को। तो पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल 2023 स्पेशल चिल्ड्रन विनर्स कैटेगरी डिक्लेमेशन थर्ड प्राइज इब्तिसाम गुलिस्तान जौहर GSERC, वकास साहब और यहाँ मौजूद है जिंदगी के जिंदगी ऐप के सरदार शाह साहब, शनाज वजीर अली साहिबा, प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब और खुशी अकबर साहब यहाँ मौजूद है, वकास साहब तशरीफ लाएं प्लीज। सेकेंड प्राइज डिक्लेमेशन हिमरा गुलिस्तान जौहर GSERC, कैटेगरी इज डिक्लेमेशन। और डिक्लेमेशन में फर्स्ट प्राइज मारिया फ्रॉम एप्वा, कैटेगरी है पेंटिंग की, और पेंटिंग में थर्ड प्राइज अरसलान अली GVTC फॉर PWDS कराची, पेंटिंग। सेकेंड प्राइज उमैमा हन्नान GVTC स्पेशल रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स,
और पेंटिंग में जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो है जुहेब आवान द इल्म फाउंडेशन. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया है. जुहेब आवान. अब अगली जो कैटेगरी है वो रक्स की कैटेगरी है. थर्ड पोजीशन GUTC फॉर PWDS कराची. आपकी तालियां इनकी हौसला अफजाई करेंगी. और एक इसी डांस में एक फोर्थ प्राइज भी रखा है वो गुलसार जौहर GSERC. डांस सेकेंड पोजिशन ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर. ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर. और फर्स्ट प्राइज डांस बहरिया स्पेशल स्कूल. थिएटर कैटेगरी थर्ड पोजीशन RCMHC सेंट्रल कराची. थिएटर में सेकेंड पोजीशन ली है वो है द एफर्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर थिएटर. फर्स्ट पोजीशन थिएटर कराची वोकेशनल सेंटर. First prize theatre, Karachi Vocational Center. Up category, singing, Gulukari. Third position, Himra Gulistan Johar GSERC. अच्छा अब आप लोगों की तालियों को क्या हुआ. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इनकी इनकरेजमेंट के लिए. ये बहुत बासलाहियत बच्चे हैं और इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की और ये विनर्स हैं. अब सिंगिंग में फोर्थ प्राइज आयशा जो कि एक स्पेशल प्राइज है इनके लिए गुलिस्तान जौहर GSERC स्पेशल प्राइज फॉर आयशा. तालियां हर तरफ से. थैंक यू. Second position singing, Mustafa Jumani, KVT, from KVT. Talia. Or singing may first prize, Mehak Rashid, Kurangi College. Ye wo bache hai. जिन्होंने भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा यहाँ पर किया है आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा
पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल 2023, जिसके लिए जिंदगी का तावन रहा। ये सारे बच्चे आपकी बहुत ज्यादा दादो तहसीन के लायक हैं, तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने अपने टैलेंट को यहाँ पर आपके सामने पेश किया डिफरेंट कैटेगरीज में, थिएटर, म्यूजिक, और ये साबित किया कि ये कितने हुनरमंद हैं, कितने बासलाहियत हैं और किस कदर खूबसूरती से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ऑल ऑफ देम, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो, अच्छा जनाब, इससे पहले कि मैं आगे बढूं, पहले आप जरा भरपूर तरीके से इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रहेगा डिफरेंट कैटेगरीज में, लेकिन पहले जो है मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जो कि लाइफ है आर्ट्स काउंसिल की, कि जिसने आर्ट में, कल्चर में, म्यूजिक में, लिटरेचर में ऐसे काम अंजाम दिए कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ को जिस तरह से, नौजवानों को उन्होंने प्रमोट किया है और जिस तरह से उनके टैलेंट को निखारा है वो बेमिसाल है। आपकी बहुत सारी तालियों में आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज। शाह साहब हैं जिन्होंने आपके लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, शाह साहब हैं जिन्होंने ये कैश प्राइजेस आपके लिए अनाउंस किए, ये सारी कैटेगरीज, तो उनका जो है वो जबरदस्त तरीके से वेलकम करें एवरीबॉडी, क्लैप। ये जो हमारे, जिनको स्पेशल बच्चे नहीं कहना चाहिए, हैं तो ये बहुत स्पेशल, बट दे आर डिफरेंटली एबल और ये हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं। इनके लिए एक तमाम के तमाम लोग मिल के तालियाँ बजाएं, और इन्होंने कमाल का गाना गाया, मुसव्वरी और सब किया। अच्छा, अब बेटा तुम लोग सेटल हो जाओ और टीचर्स भी सेटल हो जाएं। सैयद सरदार अली शाह साहब, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, मोहतरमा कुदसिया अकबर साहिबा ट्रेजरार, शहनाज वज़ीर अली साहिबा मेम्बर गवर्निंग बॉडी, हमारे जजेस जीशान जी यहाँ बैठे हुए हैं, पेंटिंग के जज हैं, डॉक्टर अयूब मेंबर गवर्निंग बॉडी, बशीर मेंबर गवर्निंग बॉडी, शहनाज वज़ीर अली आपको पता है ज़ेबेस की प्रेसिडेंट भी हैं, सलीम मेहमान साहब, और कराची यूनिवर्सिटी, और फिर हमारी सुपरस्टार जो हमारी सेलिब्रिटी जज थे दो, वो निगत चौधरी स्पेशली लाहौर से आई हैं इन बच्चों को जज करने, उनके लिए भरपूर तालियाँ। और हमारा सुपर स्टार है वहाब शाह, जिसने बहुत प्रमोट किया है डांस को, उसके लिए भरपूर तालियां, और कराची यूनिवर्सिटी के लिए भरपूर तालियां। हाँ, और इकबाल लतीफ़ साहब ने पूरा डिक्लेमेशन का सारा देखा, उनके लिए तालियां। आर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम जो मैनेज कर रही थी उसके लिए भरपूर तालियां, सात दिन से सोए नहीं, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल एजाज फारूकी साहब और सारी टीम, सफाई वाले से लेके डायरेक्टर से लेके गवर्निंग बॉडी से लेके सबके लिए। और मैं कोई ऐसी तकरीर नहीं करना चाहता, हम 16 साल से यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं और ये 4-5 साल के वक्फे से हुआ है, और उसके अंदर पर्पस भी यही था। फिर जितने मेरे एकेडमीज के हेड हैं, अदनान अफाक है, मानी चाव है, तो डांस में गनी है और खुर्रम ताल है, इस तरह म्यूज़िक में एहसन बारी है, उसके साथ जो लिंच पिन है जो सारी एकेडमीज को कोऑर्डिनेट करता है और सब एकेडमीज चलाता है, और ज़बरदस्त सिंगर है और उसका अपना एक बैंड है, अरमान रहीम है, मुस्तफ़ा है,
आजेब है, अरुण है, उमेश है, हसन शाह जिसने सबसे ज़्यादा इस फेस्टिवल में काम किया, सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया, लेकिन उसके वालिद डेथ बेड पे हैं टब्बा में, तो उसके लिए भरपूर तालियां कि फिजिकली वो प्रेजेंस नहीं थी उसकी, लेकिन सही सही रात बैठ के करता रहा। और मैं कई नाम भूल गया हूँगा, लेकिन दानियाल है जो इस टीम को हेड करता है, दानियाल अजीज़, उसके लिए, हमना के लिए, और कौन है भाई, कोई बचा है, अरुण भी, हाँ आसिम, बहुत ज़बरदस्त एडिशन है जिसने पेंटिंग फोटोग्राफी सारी की है। नहीं बेटा तेरा नाम नहीं लूँगा क्योंकि तू मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा है जहाँसेब, ये भी काम कर रहा था, कह रहा मेरा भी नाम ले। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलनी चाहिए थी, और कोशिश करते हैं, यहाँ वैसे यूथ की मिनिस्ट्रियाँ भी हैं और भी मिनिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन जो कल्चर का मिनिस्टर है हमारा, खुशकिस्मती से वही हमारा तालीम का भी वजीर है और हमारा भाई है, तो उन्होंने कुछ नए प्रोग्राम बताए हैं यूथ के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, कल्चर से, मेरे ख्याल में वो खुद ही बात करेंगे। तुम सब आए हो, आर्ट्स काउंसिल भरा हुआ है, तुम्हारी एनर्जी से इसकी बिल्डिंग है और दरो दीवार खुश हैं, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो इंशाल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर को तामीर करने में, और तुम्हें पता है कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था तमाम बच्चों के लिए, वो ये था कि रोज़गार का बड़ा इशू है हमारे पास, ज़्यादातर जो नौजवान आए हैं वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास से उनका ताल्लुक़ है, वर्किंग क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास एकेडमीज पे आने के पैसे नहीं हैं, जिनके वालदेन अच्छी तरह से नाश्ता नहीं दे सकते, बस का किराया नहीं होता। लेकिन मैंने इनसे एक बात कही थी कि तुम हिम्मत करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अभी वो कबूतर गाना आपने सुना था, वो उसके दिल की आवाज़ थी, एक लियारी का लड़का। इसी तरह से एक और बच्चा आया था, तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, विल, ऑनेस्टी, और उसके साथ साथ अल्लाह की ज़ात के बाद अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, तो फिर दुनिया तुम्हारी है, दुनिया कोई नहीं रोक सकता। अंदर तय कर लो कि मैंने ये बनना है, मैं बनूंगा आईटी का हेड, मैं बनूंगा वजीर, मैं बनूंगा ब्यूरोक्रेट, मैं बनूंगा जनरल, लेकिन मैं अच्छा वाला वजीर हूंगा, मैं अच्छा वाला हूंगा, और मैं अपने लोगों को नहीं भूलूंगा, मैं अपने तमाम आवाम को साथ लेके चलूंगा। मुनाफिक नहीं है हमारी यूथ, और ये पाँच साल बाद हुआ है, इसमें 95% से ज़्यादा लोग शाह साहब पहली बार आए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कॉलेजेस का, अभी उनको हम वो भी देंगे, क्योंकि स्कूल के भी बच्चे थे थोड़े, लेकिन कॉलेजेस के डीजी, कॉलेजेस के डायरेक्टर और उनकी जो प्रिंसिपल थी, इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में 100% आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस का रोल है, मेजॉरिटी वहाँ से आई है, तुम सब तालियां बजाओ अगर तुम वहाँ से आए हो तो। हाँ, और इनके प्रिंसिपल्स ने भी रात 12-12 बजे तक कोऑर्डिनेट किया, शाह साहब हमने इनको कन्वेंस प्रोवाइड की थी, क्योंकि इनके पास 11th आर पे वो बजट नहीं था, तो मुख्तलिफ कॉलेजेस से बसें चल रही थी। आज सलीम हबीब के भी कोई एक यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, वो बच्चा कुमैल हमारे साथ बहुत कनेक्टेड है, 200-300 बच्चे आए हैं हमारे साथ, वॉलंटियर हैं, वो भी सारे ताली बजाएं सलीम हबीब से जो आए। और कराची यूनिवर्सिटी तो मेरी भी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अभी भी तुम छाए हुए हो, इसका मतलब है मैं कराची यूनिवर्सिटी गया था योम जामिया पे, और एजाज फारूकी साहब, यूनिकेरियंस जो ओल्ड बॉयज़ की तंजीम है, उसके सरबराह हैं पिछले 6 साल से, तो मैंने बच्चों से बातें की थी, और मैंने यही बातें की थी, और मैंने कहा था कि माहौल बदलना पड़ेगा, जिस सेपरेशन का आप शिकार हैं उसमें से निकलना पड़ेगा हमें, और बदल तुम खुद ही सकते हो, तो इंशाल्लाह इसको बदलेंगे। और मुझे कुछ नहीं कहना, बस ये है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे। आपके प्रिंसिपल से बात की है, गवर्नमेंट के जितने भी हैं, कि बाद में एक आपकी सरबराही में एक मीटिंग करेंगे, इनके एजाज़ में कोई लंच डिनर करेंगे, और आपके तआवुन से इनकी जो कॉलेजेस में ही हम मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे, हम वर्कशॉप करेंगे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का, मुसव्वरी का, फोटोग्राफी का और गाने का, तो ये एक टैबू भी बने हुए हैं, रक्स
1000 से ज्यादा लोग आए, लेकिन मेजॉरिटी कॉलेजेस में नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह इसके लिए जाहिर है कि आप वो इनिशिएटिव लेंगे तो हमारे पास इतने सारे ट्रेनर, सैकड़ों ट्रेनर हमने ट्रेन कर दिए हैं, जो पहले भी 2017-18 में आपके 100 स्कूलों और कॉलेजों में एज अ टेस्ट केस हमने जाकर के वर्कशॉप की 3-3 महीने की और उनको सर्टिफिकेट दिए। और तुम लोग सारे भाई अली अजमत के जो फैन है पहले वो हाथ खड़ा करें। और बगे के बगा और कोई नताशा के भी हैं? अच्छा अहमद जानसेब अभी तक जिनको याद है, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी रखा है इन लोगों के लिए और मेरी तकरीर हो गई और मेरी तकरीरें मुसलसल होती है तो कहीं तो ना कहीं तो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तुम खुश रहो और तुम काम करो। और मैंने पहले तुम्हें कहा था कि सबसे पहले अपनी तालीम और फिर अपना मुस्तकबिल जब तुम बदलोगे तो फिर अपने घर का मुस्तकबिल बदलोगे। तो अगर जब घर का मुस्तकबिल बदलोगे तो गली का मुस्तकबिल बदलेगा, जब गली का बदलेगा तो महल्ले का बदलेगा, जब महल्ले का बदलेगा तो पूरे इलाके का बदलेगा। इसी तरह से एक प्लूरल इंक्लूसिव सोसाइटी के क़याम के लिए एक दूसरे से जुड़ते जाओगे, शहर का बदलेगा, सूबे का बदलेगा और इस मुल्क की तकदीर तुम लोग बदलोगे। बहुत शुक्रिया। Hello. Thank you very much, Mohammad Ahmed Shah, President, Arts Council of Pakistan. Bahut bahut shukriya for the golden words you said. Ab main darkhast karungi is youth festival ke sponsor Zindagi app, which is powered by JS Bank, Chief Digital Officer Waqas Anees Sahab. Waqas Anees Sahab, please come to the stage and deliver your speech. Mr. Waqas Anees. Assalamu alaikum. Waqas mera naam hai aur mera taluq JS Bank Zindagi se hai. Hum sponsor kar rahe hain is event ko aur sabse pehle I'm a bit overwhelmed. My heart goes out to all the contestants that I've seen, excellent talent, aur Dr. Shah sahab, living legend, unka bahut bahut shukriya ki unhone hame mauka diya. Ek cheez main kehna chahunga sabse pehle ki is waqt ye jo performances humne dekhi hain, ye dance nahi tha, ye gana nahi tha, ye geet nahi tha, ye instruments nahi the, ye jawab tha Pakistani youth ka us nafrat ko, us intishar ko, उन सोशल इश्यूज़ को जो इस वक्त इस मुल्क में जो है परवान चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कीप इट अप, दिस इज द आंसर ऑफ द यूथ। सो स्पीकिंग ऑफ यूथ, जिंदगी इज अ बैंकिंग ऐप, अ लाइफस्टाइल ऐप, जो मैं चाहता हूँ आप सब उसमें शमूलियत इख्तियार करें, अपना अपना अकाउंट खोलें। अब डिजिटल बैंक क्या चीज़ है, आई विल बी वेरी क्विक अबाउट इट। इट इज़ अ चैनल, एक चीज़ है जो आपको ऐप की सूरत में अवेलेबल है, डाउनलोड करें और बैंकों की ब्रांच में जाए बगैर आप बैंकिंग कर सकते हैं। हमारी जो यूथ है, जो 60% है इस मुल्क का फ्यूचर है, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि वो बैंकिंग से दूर हैं। यकीन करें, बैंकिंग से बैंक को फायदा,
अस्सलाम वालेकुम, आप सबका शुक्रिया शाह साहब का और सब दोस्तों का जो अपने खुशियों में मुझे बुलाते रहते हैं। शाह साहब, सरदार शाह साहब का स्पेशल शुक्रिया।
दिल मना बगड़ी दिल मना या दर गुश गए के बेहतर गुरम भरा वो औलत वायदा मकुल तंते औलत वायदा मकुल तंते नी बदी टोका फिरे वो बचर दो शो आखन गए दाद बीमारी वो दिल रूपा मुई दिल रूपा सही दिल रूपा झाड़ता है माँ है बलि ती गिलदगा खुशबू
दिम छाड़ता है माँ है बली दी गिरंदगा कुछ बात दी ओ सद परा सही सद परा वो सद परा दही हमें ना जामना है रातुरा दही हमें ना जामना है रातुरा ओ बूझला मैं बूझला सही बूझला दही हमें ना जामना है रातुरा दही हमें ना जामना है रातुरा दही मेहर पर दई मेहर पर मैं नगा दोस्त है मनस दीदगा ओ सद बरा सही सद बरा वो सद बरा दई हमें ना जामन है रातुरा दई हमें ना जामन है रातुरा ओ दिल रुबा मैं दिल रुबा सही दिल रुबा दई हमें ना जामन है रातुरा दई हमें ना काम सीर गुल रोदाती गंदगा को फुल रिशा तक काम सीर गुल रोदाती गंदगा को फुल रिशा मोरे दवा दई हमें ना जामन है रातुरा दई हमें कनयारी गदारी इश्क नाम गारे दा कनयारी गदारी इश्क नाम गारे दा इश्क नाम गार दा इश्क नाम गार दा कनयारी गदारी इश्क नाम गार दा ते जानी दस्तावतिया नी दुश्मन बया संगत बस बादा बहारानी पढ़दम वतारानी परचा मसानी रंता मकन खा दिल पर मारा शिगानी कनसारी सदवारी होली दा में प्यारे दा कनसारी सदवारी होली दा में प्यारे फकीरानी पीरो मुरीदानी
इश्क बलिया नी उदाय कलीला नी इश्क पिड़ा के मर जा दफ्तरा बानी हम लो महक जानी दस्तावतिया नी दुश्मन पया संगत बस माता बहारानी पड़दम बतार परचा मसानी रंदा मकन थो दिल पर मारा शिगानी शाह साहब थैंक यू लव यू थैंक यू वाह के लिए तालियां बहुत कम है वहाब बुक्टी को आपने सुना और हमारा फोक कितना खूबसूरत है कितना रिच है आपने देखा अपनी गायकी से इन्होंने एक समा बांध दिया है और अब इस म्यूजिकल सेशन में जो रंग है वो बहुत मुख्तलिफ है उससे जो आपने सुना इसमें आपको थोड़ा सा अलग मुनफरिद रंग नज़र आएगा और इसके जो परफॉर्मर्स हैं दे आर यंग टैलेंटेड दे आर प्रॉमिसिंग और ये आर्ट्स काउंसिल की म्यूजिक एकेडमी का बैंड है इसमें सारे आपके जैसे यंग लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं और ये जो आपकी स्पिरिट है एनर्जेटिक यही चाहिए तो बहुत सारी तालियां फॉर एक्मा थैंक यू दूर दूर तक लोग दिख रहे हैं मुझे शोर करके बताएं मजा आ रहा है इसका मतलब कुछ ज्यादा ही आ रहा है बस थोड़ा सा रॉक एंड रोल करते हैं और बाकी सारे परफॉर्मर्स पीछे बैठे हुए बस ऐसे ऐसे करके नताशा बेग भी आएगी साउंड्स ऑफ कलाची भी आएगा अली अजमत भी आएंगे सायर अली बग्गा भी आएंगे मुझे लगता है सायर अली बग्गा के सबसे ज़्यादा फैंस बैठे हुए हैं यहाँ पे चले नाम लेते हैं शोर करते हैं अली अजमत नताशा बेग सायर अली बग्गा अहमद जानसेब ओके अपना नाम तो लूंगा नहीं सुन लो मुस्तफा अदनान भाई शाहिद भाई आ जाए आ जाए आ जाए उमेर भाई
जल्दी जल्दी उमेर भाई सब खोल दो शायद भाई समीर भाई समीर भाई समीर भाई स्टेज पे आ जाएं हमारे साथ लीड गिटार पे हैं द वन एंड ओनली आफाक अदनान कीबोर्ड पे मुजम्मिल मुजी अच्छा मतलब ये साइड वाले शोर करेंगे बस शाहिद रहमान समीर बख्तियारी शमसुल आरिफीन ऑन ड्रम्स मुस्तफा जब तक गिटार नहीं लगाएगा मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा तुम्हारा बस 5 मिनट अजान का ब्रेक करेंगे फिर थोड़ा रॉक एंड रोल करेंगे हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जवाब मौसूल होगा, अभी सब होगा, बस देख लो, जवाब ही मौसूल होना चाहिए। हेलो ओके स्टार्ट करें। सच सुन भी न पाए, सच कोई बोले
साथ मिलके साडा हक साडा हक 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 हक Thank you. Shukriya Rindana.
टूटा हुआ दिल हूँ मैं शहर में वीराना मैं नारा मस्ताना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये निंताना नारा मस्ताना मैं शोक ये निंताना मैं तश्न कहाँ जाऊँ मैं तश्ना मैं तश्न कहाँ जाऊँ कर भी कहाँ जाना मैं नारा मस्ताना मैं नारा मस्ताना मैं शोक ये निंताना मस्ताना मैं शोक ये निंताना ये हमारा ओरिजिनल गाना है बस ये लास्ट गाना हम परफॉर्म करेंगे उसके बाद साउंड ऑफ कलाची वही पुरानी बात यहाँ पे कौन कौन लाउती है किसके गम से है जिंदगी मेरी बंदगी मेरी इंतजार है अब इंतजार है बेकरार है बेकरार है बेकरार है बेकरार है बेकरार है दिल बेकरार है लाहूती हजार है लाहूती जहान है लाहूती मकी हूँ मैं लाहूती मकान है
अगला बैंड साउंड ऑफ कलाची. Karachi. कराची क्या ख्याल है, मजा आ रहा है तुम लोगों के? नहीं, चार्ज हो गए हो लग रहा है मुझे, देखने दो जरा हाल. पहले मीटर है हमारे पास एक, देखो हम आर्टिस्ट के पास एक मीटर होता है जिसे हम चेक करते हैं. ये कर रहे हैं, तुझे बहुत एनर्जी है ब्रो, तुझे बहुत एनर्जी है. तालियां बजाओ इसलिए लौंडे के लिए, बहुत आला. तो यहीं पर है क्या सारी एनर्जी? उधर का क्या हाल है? मीटर जो है वो पहुंच गया है, 50 पे है, 50 पे है. हम आवाज लगाते हैं, हम यहां से आवाज लगाते हैं, तुम वहां से आवाज लगाना, ठीक है? देखो हमें लगानी पड़ती है, हमारे जो मेंटोर हैं वो शाह साहब हैं, जब वो आवाज लगाते हैं तो फिर हम सब हिल जाते हैं. इसलिए हम सब आवाज लगाएंगे और सही से लगाएंगे, ठीक है? हाँ जी, रेडी हो फिर? लेट्स गो, लेट्स डू दिस. सबको याद है, सब गाएंगे, मजे लेंगे. जुगनी जी, ए वे बोला अली वाली जुगनी जी, ए वे मेरे पीर जी.
लड़कियों का जोर ज्यादा लग रहा है कुछ मुझे। सिंधी और उर्दू फोक गीत को मिक्स करके एक बड़ा मशहूर गीत है वो पेश करते हैं आप। Kali
नदिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या जिसे नदिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी। अच्छा भाई अब टेम्पो बढ़ेगा तो मजा आएगा। अभी बैक स्टेज गया मैं, वहां पे मुझे अहमद जान से भी मिले, नताशा बेग भी मिली, साहिर अली बग्गा भी मिले, अली अजमत भी मिले। तो मेरा दिल हुआ कि पहले नताशा बेग को सुनते हैं क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसे नहीं, इतने दूर दूर तक लोग यहां पे खड़े हुए, आवाज ऐसी नहीं होती तो बुलाया जाए नताशा बेग को। अभी तक आवाज नहीं गई उनको, बुलाया जाए नताशा को। मुजम्मिल आवाज नहीं जा रही, कह रहे आवाज नहीं आई हमें, नताशा को बुलाऊं। टीम पहुंच गई है नताशा की, एक दफा फिर चिल्ला के बताएंगे और तेज। ऐसे नहीं आती नताशा, अभी भी मना कर रही है, और तेज। नताशा के जो मैनेजर हैं दूर से इशारा कर रहे हैं मुझे, यस 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 यस। सब सब
नताशा का लाहौर में शो था, स्पेशली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आई है, वो भी शाह साहब के कहने पे, और 2 बजे से यहाँ बैठी हुई है। इस तरह नहीं आएगी, एक दफा फिर। नताशा आ चुकी है आज काउंसिल। जोर से मेरा भी। हेलो हेलो, शिकवा जवाब है, शिकवा सुनेंगे, पहला गाना वही करवा लें। Here we go, Natasha Babe। हेलो, आकार बनूं सूद परामोश रहूं, फिक्र पर दान करूं मैं बिन में दोष रहूं, क्यों मैं दिया कार बनूं सूद परामोश रहूं, फिक्र पर दान करूं मैं बिन में दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं है, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं, हम दबा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, चुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, चुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, चुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह
हंसेगा कब बदहन है मुझको छुपाएगा हंसेगा कब बदहन है मुझको बजा है बजा है बजा है बजा है बजा शेबाए तस्कीनों में मशहूर हैं हम किसाए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम सांस खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम ऐ खुदा शिकवाए ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले करे हफ्त से थोड़ा सा गिला भी सुन ले करे हफ्त से थोड़ा सा गिला भी सुन ले करे हफ्त से थोड़ा सा गिला भी सुन ले करे हफ्त से थोड़ा सा गिला भी सुन ले All right, everyone. सबके दोनों हाथ बड़े प्यार से ऊपर होने चाहिए और सब ऐसे प्यार से हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर कहीं मस्जिद थे पत्थर कहीं माबूद शजर थी इंसान की नजर मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा कुवते बाजू है मुस्लिम ने किया काम 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 तेरा सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और शाह साहब एंड एवरीवन जो भी यहाँ सीनियर्स आए हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इतना प्यारा फेस्टिवल पुल ऑफ करने के लिए ये आसान नहीं होता तो प्लीज़ शाह साहब के लिए और आर्ट्स काउंसिल के लिए बहुत सारा शोर और बहुत सारी तालियां कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए फ्यूचर में कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये मैं आपको तब बताऊँगी जब 10 साल हो जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा ऑल राइट गाइज शिकवा तो हमने कर लिया जवाब शिकवा हम पूरा नहीं करेंगे लेकिन उसकी एक शायरी जो है बड़ी मकबूल है और आप सब वो मेरे साथ पढ़ेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है ये
जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप बहुत बहुत कमाल की ऑडियंस हो और मुझे आते ही आप सबने इतना प्यार दिया है, इतनी एनर्जी दी है कि मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है, तो ये शो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, दैट्स अमेजिंग। चलें, लेट्स, आई विल मेक इट इजीयर फॉर यू गाइस, यू विल से लाई है, क्या कहेंगे? लाई है। हो यार डाडी इश्क आतिश, यार डाडी इश्क आतिश, यार डाडी
इश्क आतिश यार डाडी इश्क आतिश हो यार सानू हो यार सानू हो यार सानू लग गई बेख्त यारी सानू लग गई अपने लिए पहले बहुत सारी तालियां मेरे साथ यार डाडी किसी ने इतना अच्छा नहीं किया सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई 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 है यार डाडी You guys are amazing. अपने लिए बहुत सारा शोर और बहुत सारी तालियां और आज मैं बताती चलूं मैं थोड़ी सी नर्वस हूं शाह साहब की वजह से क्योंकि मैंने कभी उनके सामने इस तरह परफॉर्म नहीं किया है तो शाह साहब प्लीज कोई भी गलती हो तो माफ थैंक यू Here we go. वे सोने दिया वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जया दिल देना दे दिल मंगदा वे सौदा दिल देना दे दिल मंगदा वे सौदा इको जया वे सोने दिया वे सोने दिया वे सोने दिया कंगना वे सौदा इको जया दिल देना दे दिल मंगदा वे सौदा दिल देना दे दिल मंगदा वे सौदा इको जया इश्क वाले वेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया ओए हाँ इश्क वाले वेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया ओए इश्क वाले वेड़े हाँ इश्क वाले वेड़े इश्क वाले वेड़े हाँ इश्क वाले दिल देना दे दिल मंगदा वे सौदा इको जया Come on everyone make some जाहिर सी बात है इतना टैलेंट आया तो सुर तो सुनाई देगा ना यार इतना सुरीला
ओके आप लोग कहेंगे वे सोने दिया, क्या कहेंगे? ओके वे सोने दिया, 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 कंगना वे सोना इको जिया दिल दड़ा दे दिल मगदा वे सोना दिल दड़ा दे दिल मगदा वे सोना इको जिया दिल दड़ा दे दिल मगदा वे सोना इको जिया 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 दिल दड़ा दे दिल मगदा वे सोना इको जिया बहुत बहुत नाइंसाफी की बात है, मुझे आके बोला जा रहा है मेरा आखिरी गाना है और मुझे मजा आ रहा था। अरे शाह साहब की रिक्वेस्ट आ रही है भाई, जो शाह साहब बोलेंगे वही होगा। शाह साहब आप बताएं कितने गाने? दो और, एक और चले, एक और, एक और चले आपका और मेरा साथ। अच्छा गाने से पहले, गाना होने से पहले, सबसे पहले मेरे बैंड के लिए प्लीज बहुत सारा शोर। इट्स अ वेरी टैलेंटेड बैंड एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल, माशू ऑन द लीड। यार इसका नाम मैं क्यों लूँ, इसको तो सब जानते हैं। अबे मुजम्मिल ऑन द कीबोर्ड, द रॉक स्टार दाऊद रामे ऑन ड्रम्स, आसिफ भाई ऑन बेस। आज इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है सर, आई वुड से बहुत अच्छे से आपने निभाया। प्लीज आसिफ भाई के लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच। सो हियर वी गो, और साउंड के लिए भी ह्यूज शाउट आउट उमेर साउंड, ऑलवेज द बेस्ट। So thank you for the sound, guys. Thank you. Here we go. ਲੱਠਾ ਸੂਟ ਦਾ ਲਾਹੌਰੀ ਫੱਟੇ ਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲੋੜ ਜਿਗਨੀ ਵੇਲ ਵੇਲ ਕੇ ਕੂਦ ਬਾਜ ਕੇ ਚੱਕ ਚੱਕੋ ਤੇ ਜਾਵੇ
तेरे तेरे उत्ते छड़ियां डोरियां मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छड़ियां डोरियां मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छड़ियां डोरी मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छड़ियां डोरियां तू तो पाग रब का वाका बच्चा राज दुलारा तू ही पाग रब का वाका बच्चा उसका प्यारा तू ही मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही नाम अली का लेके तू तो नाच ले गाली गाली ले नाम अली अली नाच ले गाली गाली ले नाम अली 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 आखिरी बार आवाज सुन के जाऊंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबकी आवाज जब मैं सुनती हूँ हाँ तू ले नाम रब का नाम जाएगा नाम रब का नाम जाएगा Everyone, thank you so much, Arts Council. Thank you so much, Shah Saab. Thank you. Thank you, Arman. Thank you. अभी फिर बैक स्टेज गया मैं अहमद जान साहब को बुलाए मैंने बोला ऐसे नहीं आएंगे वो शोर करके बताएं बुलाएं